For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. मेरा नाम डॉक्टर नईमज़िया है. मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और मैंने 1986 में MBBS किया था, तो उस लिहाज से ये तकरीबन 35-40 साल का मुझे एक्सपीरियंस है. 1990 के बाद मैं सर्जरी से ही मलिक हूँ, और आई हैव बीन ऑपरेटिंग पेशेंट्स विद हेमराइडल डिजीज, और इसमें तकरीबन एक तिहाई या एक चौथाई मरीज जो मेरे होते हैं वो कोलोरेक्टल मरीज होते हैं. हेमरॉइड्स बेसिकली अगर आम आदमी को पूछा जाए तो वो ये कहेगा कि जी कोई भी तकलीफ जो पेरिएनल रीजन में होती है उसको हेमरॉइड समझते हैं. ये एक बहुत ही नामनासिब सी, या इसके लिए ज़्यादा मुनासिब ये होगा कि एक गुमराहकन किस्म की टर्मिनोलॉजी है. हेमरॉइड्स बेसिकली डायलेटेड एबनॉर्मल वेन्स होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं जो कि टाइम के साथ फूल जाती हैं, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं. तो इसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो कि पखाने के रास्ते खून आने के साथ जुड़ी हुई होती हैं. उन सब को हेमरॉइड्स नहीं कह सकते. तो हेमरॉइड्स बेसिकली एक खून की नालियाँ हैं जो कि जिनसे खून रिसता है. हेमरॉइड्स के बेशुमार कॉजेज़ हैं, उनमें कुछ डाइट्री कॉजेज़ होते हैं. आमतौर पर ये उन लोगों में देखा जाता है जिनको कब्ज़ होती है, या जिनको बहुत ज़्यादा गोश्त खाने या मसालेदार चीज़ें खाने से होता है. कुछ लोगों में ये जेनेटिक भी होता है जो खानदान में होती है बीमारी. इसके अलावा बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो कि अपनी जो बाउल हैबिट्स होती हैं उसकी वजह से उनको ये तकलीफ़ हो जाती है. तो मरीज़ को देख के उसकी बीमारी के बारे में डायग्नोस किया जाता है. कॉमनेस्ट कंडीशंस जो कि हेमरॉइड्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, उनमें एक तो पखाने के रास्ते खून आना होता है, दूसरा इचिंग और ख़ारिश हो सकती है पखाने के रास्ते में, और इसके अलावा दर्द के साथ भी, अगर कॉम्प्लिकेटेड हेमरॉइड्स हों तो वो दर्द के साथ भी मरीज आ सकती हैं. अगर किसी मरीज़ को खून आए तो उसका सबसे पहला जो काम है वो ये है कि उसको खौफज़दा नहीं होना चाहिए. बहुत सारे लोग खौफज़दा हो जाते हैं और डॉक्टर के पास आने से घबराते हैं. इसके लिए ज़रूरी है कि पहले तशखीस की जाए कि मरीज़ को तकलीफ़ क्या है. जैसे मैंने पहले कहा कि खून आने की बेतहाशा वजूहात होती हैं, उनमें से एक हेमरॉइड्स भी हैं, लेकिन इसके अलावा मायना करके मरीज़ को देखना और उसको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके हेमरॉइड्स के अलावा कुछ ऐसी ख़तरनाक बीमारियां भी होती हैं जिनको डायग्नोस करना ज़रूरी है. तो इसमें सबसे पहली चीज़ यह है कि मरीज़ डॉक्टर के पास आए और अपनी तशखीस करवाए कि ये क्या, ये वाकई हेमरॉइड्स हैं या कोई और बीमारी है. अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज़ायद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें. हेमरॉइड्स के लिए बहुत सारी घरेलू दवाइयाँ और टोटके मौजूद हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उनमें क्या होता है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उसमें क्या कंसंट्रेशन है, और वो किसने बनाई हैं और वो किस स्टैंडर्ड के मुताबिक बनी हैं. तो अक्सर ये देखने में आया कि कोई लोग तेजाब भी लगा देते हैं, कुछ तेज़ किस्म की चीज़ें लगा देते हैं जिससे कि मरीज़ को फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाता है. तो होममेड रेमेडीज़ को जनरली डिस्करेज करना चाहिए और मरीज़ को अपनी तशखीस करवाना पहले ज़रूरी होता है. अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज़ायद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें.